टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को न्यूजीलैंड दौरे में टी20 सीरीज के लिए रविवार को घोषित की गई भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है, जबकि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और युवा संजू सैमसन को टीम से बाहर कर दिया गया है। राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने मैराथन बैठक के बाद रात करीब 11:45 बजे ट्विटर पर जारी कर टी20 टीम का ऐलान किया। दरअसल न्यूजीलैंड दौरे के लिए रविवार को भारत की 16 सदस्यीय टी20 टीम में उपकप्तान रोहित शर्मा ने टीम में वापसी की, जबकि चयनकर्ताओं ने केरल के बल्लेबाज संजू सैमसन को बाहर कर दिया। 5 सदस्यीय चयनकर्ताओं का पैनल तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी टीम में वापस लाया, जिन्हें रोहित की तरह ही श्रीलंका के खिलाफ टी20 श्रृंखला से आराम दिया गया था। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने श्रीलंका के खिलाफ पुणे में तीसरा टी20 मुकाबला खेला, जिसमें उन्होंने 6 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज ऑकलैंड में 24 जनवरी से शुरू होने वाली है। चयन समिति ने वनडे और टेस्ट टीम की घोषणा अभी नहीं की है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय टी20 टीम में कोई चौंकाने वाला चेहरा नहीं है। संजू सैमसन की जगह रोहित शर्मा टी20 टीम में आए, बाकी सभी खिलाड़ी टीम में बने रहे। बड़ी बात यह है कि इसी के साथ फैंस का इंतजार और लंबा हो गया। हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा था कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम में वापसी होगी, लेकिन चयनकर्ताओं ने धोनी पर भरोसा इस बार भी नहीं जताया। अब देखना होगा कि धोनी की वापसी कब होती है। डी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।